हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आई होप आपको निराशा हाथ ना लगे, क्योंकि आज का गाना फुल ऑफ आशाओं से भरा हुआ है। और गाने का नाम है आशाएं और फ्रॉम द मूवी इकबाल। आज का ये गाना आपको मोटिवेट करने के लिए परफेक्ट सॉन्ग है, और आप इस गाने को सीख कर अच्छा बजा कर हो सकता है अपने आसपास वालों को भी मोटिवेट कर पाएँ। गाने में एक बहुत नए तरीके के कॉर्ड्स और कॉर्ड सीक्वेंसेज आपको बजाने को मिलेंगे। अगर आप अभी तक नॉर्मल कॉर्ड्स बजाते हुए आए हैं, फर्स्ट 3 फ्रेट्स वाले ओपन कॉर्ड्स बजाते हुए आए हैं, तो इस गाने में आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट मेहनत जो है वो वर्थ है। ये प्रॉपर एक गिटार सॉन्ग है जिसमें गिटार का फुल फ्लेज बजना एक बहुत अच्छा फील देता है। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज अगर आप अच्छे से हमें कमेंट करके बताएंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, तो हमें एक रिवर्ट बैक मिलता है आपकी तरफ से, एक इनपुट मिलता है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस हार्ड। अब बात करते हैं गाने के कॉर्ड्स की। ये गाना ए मेजर स्केल का गाना है और हम ओरिजिनल स्केल में ही ये गाना गा रहे हैं और सीख रहे हैं, तो काफ़ी हद तक गाना आपका मैच करेगा ओरिजिनल ट्रैक के साथ अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रो के कॉर्ड्स के साथ। तो इंट्रो में हम एक पर्टिकुलर शेप यूज़ कर रहे हैं। टेक्निकली ये तीनों कॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए मेजर कॉर्ड, जी शार्प माइनर कॉर्ड और एफ शार्प माइनर कॉर्ड। लेकिन इसको ऐसा ना प्ले करके हम नीचे की दो स्ट्रिंग्स को ओपन रखते हुए एक ई ट्यूनिंग में ही, ई ट्यूनिंग होने का फ़ायदा उठा रहे हैं ए और ई की सिमिलैरिटी का। तो ये बेसिकली ए एट 9 का ही एक वेरिएशन है, ठीक है, सिर्फ दो उंगलियां हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही ये जी शार्प माइनर का एक वेरिएशन होगा, कोई ना कोई 7th 9th कुछ ना कुछ अटपटा नाम होगा आई एम श्योर, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम फोकसिंग ऑन द राइट साउंड एंड राइट पोजिशनिंग, वो आप ध्यान रखिए। ऐसे ही एफ शार्प माइनर के लिए ये दो फिंगर्स रहेंगे।
तो ये तीन कॉर्ड जो हैं बैक टू बैक आपको प्ले करने हैं इंट्रो बजाने के लिए और पहला दो लाइंस गाने के लिए, यही तीन कॉर्ड्स में हम लोग प्ले कर रहे हैं और गा रहे हैं। उसके बाद बात की जाए नॉर्मल कॉर्ड्स की ही बात करें तो स्टार्ट्स फ्रॉम डी मेजर, नेक्स्ट कॉर्ड इज बी माइनर, नेक्स्ट कॉर्ड सेम शेप दो स्टेप आगे ड्रैग करेंगे सी शार्प माइनर, देन ए मेजर कॉर्ड ऑफ कोर्स जो कि स्केल है और ई मेजर कॉर्ड, एफ शार्प माइनर का ओपन वर्जन भी मैंने यूज किया है ये वाला पार्ट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एफ शार्प माइनर इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं बाद में या फिर ये ओपन वर्जन भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरी स्केल के सारे कॉर्ड्स काम में आ रहे हैं, ए बी माइनर सी शार्प माइनर देन डी, इवन डी मेजर भी आ रहा है और डी माइनर भी आ रहा है। डी माइनर कॉर्ड एक बार इंस्ट्रूमेंटल में प्ले होता है वो मैंने प्ले किया है, और फिर डी मेजर है, ई मेजर भी है और एफ शार्प माइनर भी है जो कि इस तरीके से हम लोग प्ले कर रहे हैं, और जी शार्प माइनर का हम शुरू में यूज़ कर रहे हैं उन ओपन शेप्स में, ठीक है। तो देखा जाए तो पूरे के पूरे कॉर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस गाने में, और बस अब स्ट्रमिंग के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। अब एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे लाइव सीखने के लिए तो हम अपना ग्रुप लाइव कोर्स चलाते हैं जिसमें सैटरडे और संडे को तीन अलग अलग टाइमिंग के बैचेस हैं, आप कोई भी एक टाइमिंग चूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से और ज्वाइन करके मुझसे लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 पीपल डिपेंडिंग डे टू डे, और इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि हर पर्सन को इंडिविजुअली मैं गाइड कर सकूं कि आपको क्या लेसन करना है, इस वीक में आपका टास्क क्या होने वाला है। तो अगर आप एक गाइडेड मूवमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी लर्निंग में, तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइएगा और अपना इंटरेस्ट हमें बताइए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मे बी वी विल बी एबल टू कनेक्ट एवरी वीकेंड, और आपकी जो गिटार जर्नी है वो भी थोड़ा सा स्टेबल हो पाएगी। अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न 4/4 टाइम सिग्नेचर पे ही बेस्ड है, तो जो पैटर्न हम यूज़ करेंगे वो होगा डाउन स्पेस अप डाउन स्पेस अप डाउन, पर जब आप लगातार इसको प्ले करते हैं तो कुछ ऐसा साउंड आता है। ये अप डाउन जो है ये काफ़ी क्विक होता है, तो इसका ध्यान रखिए। कुछ स्टूडेंट्स जब मैं लाइव सिखा रहा होता हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, तो इस तरीके का आउटपुट हमें पहली बार देखने को मिलता है जब कोई पहली बार ये स्ट्रमिंग करता है, तो ये बहुत फैल गया है, उसको फैलाने की बजाय शॉर्ट कीजिए। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जरूरत के हिसाब से आप बीच में फिलर डाल सकते हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, तो डाउन अप एक फिलर है जो आप दो स्ट्रमिंग पैटर्न्स के बीच में डाल के देख सकते हैं। तो स्ट्रमिंग के हिसाब से देखा जाए तो कोई एक्स्ट्रा बहुत ट्रिकी चैलेंजिंग चीज़ नहीं है। एक ये भी है कि कुछ कॉर्ड्स हाफ में शिफ्ट हो रहे हैं। हाफ से मेरा मतलब है पहला कॉर्ड लेट्स अज्यूम अगर लगा है डाउन अप डाउन अप, इसी डाउन पे ही नेक्स्ट कॉर्ड लग जाएगा डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर से देखेंगे डाउन अप डाउन अप चेंज अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप चेंज अप डाउन अप डाउन, तो उसी डाउन पे ही जो है वो चेंज हो जाता है। वो एक चीज़ है जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अचीव करनी है। गाना ध्यान से देखिए, लेसन दोबारा देखिए और फिर कोशिश कीजिए अच्छे से बजाने की। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। हम बहुत क्लोज हैं 200K के, तो आई होप कि इसी साल में हम लोग 200K अगर टच कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ हम नंबर ओरिएंटेड उतना नहीं सोचते हैं, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग लगातार चैनल को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, हर वीक आपके लिए एक लेसन लाते हैं, तो उसका उस एफर्ट का थोड़ा सा और अच्छा रिवॉर्ड हमें मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस कीप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।